हथियार डालना हमारी डिक्शनरी में नहीं है, हमारी मुजाहमत और जिद्दोजहद में कोई कमी नहीं आई है। जब तक दुश्मन हमारी सरजमीन से नहीं निकल जाएगा, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये ताज़ा तरीन बयान आया है अल-क़साम ब्रिगेड का। दूसरी तरफ इसराइल का कहना है जंग तीसरे मरहला में दाखिल हो गई है। हमने जंग के आगाज़ में अपना 3 हदफ तय किया था, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलेगी हम गजा की पट्टी से निकलने वाले नहीं हैं। ताज़ा तरीन अपडेट और सूरत हाल क्या है इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को दबा लीजिए और ज्वाइन करके हमारी मेंबरशिप लीजिए। मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कीजिए। गजा पट्टी पर इसराइल के हमला को 2 महीना से जायद का अरसा हो गया है और इस 2 महीना के जायद अरसा में कल शदीद लड़ाई जारी रही। गजा पट्टी के खान यूनुस और जबालिया के इलाके में दोनों तरफ से हमला होता रहा और हमला हो जाने के बाद दोनों तरफ यानी हमास ने भी स्टेटमेंट जारी किया है, इसराइल का बयान भी सामने आया है और दोनों का बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है। इस लड़ाई में इसराइल का एक बड़ा नुकसान यह हुआ है कि इसराइल के साबिक आर्मी चीफ के बेटे की हलाकत हो गई है। उसके अलावा एक और मेजर की हलाकत हुई है। इसराइल के कई अहम कमांडरों की हलाकत हुई है जिसका एतराफ खुद इसराइल की मीडिया ने किया है। दूसरी तरफ 115 फलस्तीनियों की भी कल के हमला में शहादत हुई है, लेकिन कोई हमास का सीनियर रहनुमा मारा गया हो इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं सामने आई है। अल-क़साम ब्रिगेड के तर्जमान अबू अबैदा ने कहा कि पिछले 72 घंटों के दौरान हमने इसराइल की 115 फौजी गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया है। इसके अलावा कार्रवाई और हमला के दौरान हमने दर्जनों इसराइली फौजियों को हलाक किया है, उसको जान से मार दिया है, बड़ी तादाद में इसराइली आर्मी जख्मी भी हुई है। उसके अलावा यह भी कहा गया है कि हमारे मुजाहिदीन और लड़ाकों ने मार्टर गोलों और मिसाइलों से दुश्मन पर हमला किया है, इसराइली आर्मी के कई फौजी पॉइंट और मरकज को निशाना बनाया है और हम लगातार इसराइली आर्मी के दिल में खौफ पैदा कर रहे हैं। इस हवाले से जो सबसे बड़ी खबर आई है और यह खबर इसराइल की मीडिया में भी छाई हुई है कि इसराइली आर्मी के साबिक चीफ का बेटा गोलमीर आइजनकोट भी गजा में हलाक हो गया है और दरअसल झड़प के दौरान हलाक हुआ है। साबिक आर्मी चीफ का बेटा एक जगह पर हमला करना चाह रहा था, उसके साथ पूरी बटालियन मौजूद थी, तभी अचानक धमाका होता है और उस धमाका में साबिक आर्मी चीफ का बेटा मीर आइजनकोट हलाक हो जाता है और अपने बेटे की हलाकत को इसके बाप ने भी अपनी निगाहों से खुद देखा। इन्होंने रिजाइन दे रखा था, वो काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब गजा पट्टी के साथ इसराइल ने जंग शुरू की, गजा पट्टी पर हमला शुरू किया और 7 अक्टूबर के हमास के बदला लेने का मंसूबा बनाया, तो साबिक आर्मी चीफ से दरखास्त की गई कि दोबारा जंगी कौंसिल को ज्वाइन करे, हुकूमत का हिस्सा बने और वजीर जंग के तौर पर इन्होंने इसराइल की आर्मी को दोबारा ज्वाइन किया। जब इसके बेटे की हलाकत हुई तो इसने पूरा मंजरनामा अपनी निगाहों से देखा। इसके अलावा इसराइल का एक और अहम फौजी कमांडर है मेजर यूनाइटेड डेविड, इसकी भी कल हलाकत हो गई है और इसकी हलाकत की तस्दीक भी इसराइल की मीडिया ने की है। इससे पहले भी 2 अहम फौजियों की हलाकत हुई है। अब तक जमीनी लड़ाई में 100 से जायद इसराइली फौजी की हलाकत हो चुकी है जिसका एतराफ खुद इसराइल ने किया है, जबकि अल-क़साम ब्रिगेड का दावा यह है कि कई 100 इसराइली आर्मी की हलाकत हो चुकी है। पिछले दिनों मैंने बताया था कि इसराइल के कब्रिस्तान के इंचार्ज का बयान सामने आया था जिसके मुताबिक हर घंटा यहां एक इसराइली आर्मी की तदफीन की जाती है और 7 अक्टूबर के वाकये के बाद टोटल 400 से जायद इसराइली फौजियों की हलाकत हो चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल की IDF के तर्जमान का कहना है कि जंग अब तीसरे मरहले में दाखिल हो गई है और पूरी शिद्दत के साथ इसराइल की आर्मी गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में जंग लड़ रही है। गजा पट्टी में खान यूनुस का इलाका सबसे अहम है, जो हमास का सबसे बड़ा सेंटर है। वहाँ हमास के लड़ाके और मुजाहिदीन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और हमारी आर्मी ने, हमारी फ़ौज ने अब खान यूनुस के इलाकों का मुहासरा कर रखा है। वहाँ मुख्तलिफ इलाकों पर रेड मार रही आर्मी और कोशिश कर रही है
हमास के ठिकानों को तबाह बर्बाद करने की, हमास को ख़त्म करने की, तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। पिछले एक वीडियो में मैंने भी बताया कि इसराइल की हुकूमत इस बात का भी जश्न मना रही है कि उसकी आर्मी ने हमास के सीनियर रहनुमा यहया अस्सवार के घर का मुहासरा कर लिया है। अल जज़ीरा और दूसरे मीडिया हाउसेस की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 7 दिसंबर को खान यूनुस और जिबालिया के इलाकों में पूरी शिद्दत के साथ जंग जारी रही। दोनों तरफ से हमला होता रहा। दोनों तरफ की आर्मी और फौज ने एक दूसरे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का दावा किया है और जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 115 फलस्तीनियों की कल के हमला में शहादत भी हो गई है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि इसराइल की आर्मी ने कुछ फलस्तीनियों को कैदी बना रखा है और उनके कपड़ों को उतार रखा है, उनको नीम बरहना कर रखा है, उनको एक तरह से घुमाया जा रहा है, उनको एक जगह पर बैठाया गया है। इस वीडियो की दुनिया भर में मजम्मत भी की गई है और इसराइल को ह्यूमन राइट के वायलेशन का मुजरिम करार दिया गया है कि इसराइल ने गजा पट्टी पर दहशतगर्दी करते हुए इंसानियत की हर तरह से धज्जा उड़ा दी है और जुल्म के आखिरी इंतहा को इसराइल पहुंच गया है। इसके अलावा 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई है। जख्मियों की तादाद 42,000 से ज्यादा हो गई है। फलस्तीनियों को मजबूर किया जा रहा है उनका घर छोड़ने पर, नकले मकानी करने पर, और जब फलस्तीनी अपने घर से निकल रहे हैं कहीं और जा रहे हैं तो वहां भी उनको निशाना बनाया जा रहा है। खाली जगहों पर, मैदान के इलाकों में भी फलस्तीनियों पर जंगी जहाजों के जरिए बम बरसाए जा रहे हैं और यही वजह है कि अब अमरीका ने भी इसराइल की इस हवाले से तनकीद की है कि इसराइल की वजह से आम शहरी लगातार मर रहे हैं, आम शहरी महफूज नहीं है, इसराइल को आम शहरियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाना होगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लीजिए और हमारे मोबाइल ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए।